जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी कि HCM एडमिट कार्ड 2022 के बारे में, जिसके कुछ रीजन के एप्लीकेशन स्टेटस आ चुके हैं, उनका जो स्टेटस है वो कैसे चेक करना है ये मैं आपको बताऊँगा। और अगर आप इस माध्यम से अपने स्टेटस को चेक नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरे द्वारा भी स्टेटस को या फिर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करा सकते हैं। उसके लिए आपको कैसे और कहाँ पर जानकारी करनी है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आप खुद से अपने एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेटस को चेक करेंगे एंड देन अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। तो अभी आप जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप ये लिंक ओपन करते तो आपके सामने यहां पर इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि कितने पद पर यह वैकेंसी निकाली गई थी, कब से लेकर के कब तक आपने इस फॉर्म को भरा था एंड यहाँ पर क्या सैलरी आपको सिलेक्ट हो जाने के बाद में मिलने वाली है। तो ये जानकारी आप यहाँ पर चेक करने के बाद नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर जो मैंने इंपॉर्टेंट लिंक्स का सेक्शन है, इसमें एडमिट कार्ड के लिंक दिए हैं। अभी मैं अगर बात करूँ तो दो रीजन के एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेटस आए हैं। एक है आपका जो है ईस्टर्न रीजन, जिसमें कि वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड, सिक्किम, ये वाले जो जगह है, सिटी है, वो आती है और इसका स्टेटस अवेलेबल है। इसके अलावा जो साउथर्न रीजन है, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेटस है वो भी आ चुके हैं। अब आपका सवाल होगा कि सर मेरा रीजन ये है, तो पहले तो आपको ये बताना है कि आपका रीजन कौन सा है, ताकि जब आपके रीजन के भी एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेटस आए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना करके आपको पूरा प्रोसेस बता सकूँ। बट यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि आप इस वीडियो को देख करके भी अपने रीजन का एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस एंड एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस चेक करने का तरीका है वो सेम रहेगा। मैं यहां पर इस वेबसाइट के ऊपर डायरेक्टली जैसे ही अन्य रीजन के एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस अवेलेबल होंगे, मैं यहां पर उनके लिंक डायरेक्टली प्रोवाइड करा दूंगा। आप यहां पर इन लिंक को ओपन करके अपने फॉर्म का स्टेटस एंड देन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। बट फिर भी आपको बताना कि आपका रीजन क्या है, ताकि मैं आपको अपडेट कर सकूं कि आपके रीजन का एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस आ चुका है या फिर नहीं आ चुका है। तो जैसे कि इन दो रीजन का है, मैंने इन दोनों के जो लिंक है यहां पर दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूं तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। अब ये है आपका ईआर यानी कि ईस्टर्न रीजन का, तो इसमें 26 सितंबर में अवेलेबल हुआ है नो योर स्टेटस ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते तो आपसे यहां पर रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन आईडी मांगी गई है, यानी कि तो रोल नंबर देना है। अभी ऑब्वियस है कि रोल नंबर तो आपके पास होगा नहीं, रजिस्ट्रेशन आईडी आपके पास अवेलेबल है, तो आप यहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करेंगे एंड यहां पर और मैं आपको आपका नाम देना है जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरा था। फिर आप यहां पर डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट कर लेंगे और जो भी सम ऑफ यानी कि जो भी नंबर है उनको जोड़ करके या घटा करके जो भी आपको बोला है वो यहां पर एंटर करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस आ जाएगा। शुरुआत में आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेटस के अंदर जानकारी देखने को मिलेगी वो होगी आपका नाम और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। फिर उसके 3-4 दिन बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपकी एग्जाम डेट और आपकी एग्जाम सिटी कौन सी है एंड आपको एग्जाम डेट भी देखने को मिलेगी। एंड जब आपकी एग्जाम डेट एग्जाम सिटी देखने को मिलने लगे तो उसमें जो एग्जाम डेट दी गई होगी उसके 4 दिन पहले से आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड या फिर कह लीजिए कि प्रिंट कर पाएंगे। ये एक प्रोसेस रहता है SSC के द्वारा किसी भी फॉर्म का एडमिट कार्ड जारी करने का। इसके अलावा दूसरे जो रीजन का एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस अवेलेबल हुआ है यह है आपका साउथर्न रीजन का। इसमें भी आप यहां पर देख सकते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम नो योर एप्लीकेशन स्टेटस। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं अब आपको यहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी देनी है एंड देन यहां पर आपको एंड करके आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जैसे नो दी स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर भी आपको जैसे कि मैंने कहा कि पहले तो आपको आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है ये जानने को मिलेगा। फिर उसके 3-4 दिन बाद या 4-5 दिन बाद आपको जानने को मिलेगा कि आपकी एग्जाम डेट एग्जाम सिटी क्या है एंड जब आपकी एग्जाम डेट आ जाए तो फिर उसके 4 दिन बाद आप 4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ये पूरा प्रोसेस ऐसे रहता है। अब आपको मुझे कमेंट के माध्यम से बताना कि आपका रीजन कौन सा है। ये तो हुई आपके द्वारा खुद से चेक करने की जानकारी कि कैसे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी
किसी भी रीजन से अपना स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे हैं और आप मेरे द्वारा इसको चेक कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कहां पर आपको अपनी जानकारी सेंड करनी है वो आप जान लीजिए। जो लिंक मैंने आपको हमारी इस वेबसाइट के सॉरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो ये आपने ओपन किया, ये हमारे आपके सामने मेरी वेबसाइट आपके सामने आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर लास्ट में कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आप अपना नाम देंगे, ईमेल आईडी देंगे, फ़ोन के अंदर आपको आपका व्हाट्सअप नंबर देना है, क्योंकि यहीं पर आपको एडमिट कार्ड का पीडीएफ या जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस है आपके व्हाट्सअप पर बताई जाएगी। एंड मैसेज के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये रीजन है, इन रीजन में किसी जानकारी के माध्यम से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाते हैं और किसी में किसी जानकारी। तो जैसे कि यहाँ पर ये जो आपका साउथर्न रीजन है, इसमें रजिस्ट्रेशन आईडी मांगी है एंड डेट ऑफ बर्थ मांगी है। तो अगर आप साउथर्न रीजन से हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको आपके रीजन का नाम मेंशन करना है कि मेरा रीजन ये है, और रजिस्ट्रेशन नंबर देना है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो देनी है। साथ ही एसएससी एससीएम एडमिट कार्ड भी लिख देना है, क्योंकि मेरे पास और भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कराने की रिक्वेस्ट आती रहती है, ये आपको लिखना है। और अगर आप यहाँ पर ईस्टर्न रीजन से अपना एडमिट कार्ड का स्टेटस चेक कराना चाहते हैं या एडमिट कार्ड डाउनलोड कराना चाहते हैं, तो आपको आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर देनी है। रजिस्ट्रेशन आईडी के साथ में आपको आपका नाम देना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ देनी है, ये तीन जानकारी आपको देनी होगी। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल रीजन से हैं और आप अपना सेंट्रल रीजन का एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो आपको आपका नाम देना है, आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी देनी है, आपका फादर नेम देना है, आपका मदर नेम देना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ देनी है, एंड जो आपने एग्जाम सेंटर के रूप में फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, चॉइस के रूप में फर्स्ट सिटी दी थी वो आपको देनी है। ये सब जानकारी देनी होगी, नाम, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और एग्जाम सेंटर की फर्स्ट प्रेफरेंस, ये सब जानकारी देनी है, एंड देन सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी और फिर मेरे से जितनों का भी हो पाएगा वो एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस एंड देन आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिया जाएगा। उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, पूरी तरीके से फ्री सेवा होगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी दिल्ली पुलिस एससीएम एडमिट कार्ड 2022 के बारे में दे दी है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जो आप यहाँ पर वीडियो में एडमिट कार्ड देख पा रहे हैं, ये एसएससी का एक प्रीवियस एडमिट कार्ड है। कुछ इस तरह की जानकारी आपको आपके एडमिट कार्ड के अंदर देखने को मिलेगी। ये मैं आपको डेमो के रूप में दिखा रहा हूँ। आपका नाम देखने को मिलेगा, आपकी एग्जाम डेट देखने को मिलेगी, आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो जानने को मिलेगा। इसके अलावा आपका एग्जाम सेंटर इस तरह से दिया गया होगा, एग्जाम की टाइमिंग आपको इस तरह से यहां पर दी गई होगी कि किस टाइमिंग पर आपको रिपोर्ट करना है, एंड नीचे आपको इंस्ट्रक्शंस भी देखने को मिलेंगे। इन सभी इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ना होगा, जो कि आपके एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन होंगे, और उसमें जो चीजें आपको लेकर के जाने को बोली है वो लेकर के जानी है, और जिन चीजों के लिए मना किया है वो आपको नहीं करनी है। तो ये थी जानकारी आपके इसके बारे में। जानकारी पसंद आई है या फिर आपका कोई सवाल डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और अगर आप अपने रीजन का एडमिट कार्ड का अपडेट पाना चाहते हैं तो आप वो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।